आग नहीं जलाए उधर? हाँ नहीं जलाए हैं, कल जलाएंगे बाबू कल। हाँ चलिए ठीक है, सुबह में ठीक ठीक हम आप आइएगा ना इधर से। हाँ आएंगे। हाँ तब ये लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए काका फाइनली क्या बताए हैं आप लोगों को। बोल रहे हैं पर आग लगाना है ये। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजीव ब्लॉग में। तो देखिए शाम को 6 बज चुका है और हम लोग अपने रूम पे चल चुके हैं ड्यूटी से, और आज 6 बजे ही देखिए कितना अंधेरा आ चुका है, क्योंकि मौसम बहुत दिनों से ख़राब रहता है। आप लोग देख ही सकते हैं किस तरह बाग बगीचों से हम लोग जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये सब आमों का बाग बगीचा लगा हुआ है, इतना अच्छा इतना प्यारा नज़ारा है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अभी अपने रूम तक चलते हैं, और रास्ते में आप लोगों से बातें करते हैं कुछ खास। जितने भी भाई हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, मेरे बीच ब्लॉग पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पर डे इसी प्रकार के देहाती ब्लॉग लेके आता रहता हूँ आप लोगों के बीच में। तो प्लीज़ फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। रूम जाने में दोस्तों अभी मेरे को 2 से 3 मिनट लगेगा, और अभी मैं जाऊँगा आप लोगों को अपना रूम दिखाऊँगा किस तरह कैसे रहते हैं, कैसा मेरा रूम है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। फिर लगा दे, ये देखो काका जी हैं यहाँ बाग बगीचों को जो देखभाल करते हैं, आप लोग देख ही सकते हैं इधर सेवा में लगे रहते हैं। काका आज आग वग नहीं लगाए हो जी? आग नहीं जलाए उधर? हाँ नहीं जलाए हैं, कल जलाएंगे बाबू कल। हाँ चलिए ठीक है, सुबह में ठीक ठीक हम आप आइएगा ना इधर से। हाँ आएंगे। हाँ तब ये लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए काका फाइनली क्या बताए हैं आप लोगों को। बोल रहे हैं पर आग लगाना है ये जो बाग बगीचा है, इसमें बहुत कीड़े मकोड़े लगते हैं, पत्ते खाते हैं, आम खाते हैं, तो होने नहीं देते हैं फाइनली, और यहाँ पे इसमें आग लगाते हैं बाबा जी। फाइनली दोस्तों हम लोग रूम के आ ही चुके हैं, थोड़ी ही मिनट में पहुँचने वाले हैं। तो अभी आप लोग को दिखाता हूँ मेरा रूम किस तरह कैसे रहते हैं हम लोग रूम में, खाते हैं लोगों का खाना क्या बनता है। यही मेरा रूम है, मेरे रूम के आगे का लोकेशन है, आप लोग देख ही सकते हैं, कंपनी का गाड़ी खड़ी है उधर। तो चलिए दोस्तों पहले कपड़े उतारते हैं, उसके बाद थोड़ा चेंजिंग करते हैं, हाथ मुंह धोते फ्रेश होते हैं, उसके बाद बाद में बात करते हैं आप लोगों से।